अस्सलाम वालेकुम खवातीन, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हेलो एमिगोस, वेलकम बैक टू अनदर ज़ीलॉग। सो काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई। आज ये मफलर कोई स्टाइल के लिए नहीं पहना हुआ। आज का ज़ीलॉग होने वाला है मेरी जो एक महीने में ट्रेजेडी हुई मेरे साथ, क्या हुई ये तो ज़ीलॉग के एंड में आप लोगों को बिल्कुल प्रूफ के साथ, फुटेज के साथ मिलेगा। तो आप लोगों ने इतना करना है कि ज़ीलॉग को एंड तक देखना है। इंटरेस्टिंग ज़ीलॉग होने वाला है क्योंकि आने वाले हैं जिब्रान और वहाज, उनके साथ दिन गुजारेंगे। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना अगर आप लोग चाहते हैं कि यार महीने में मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैंने 3 हफ्ते तक कोई वीडियो नहीं बनाई। तो ये मेरे लिए भी काफ़ी हार्ड टाइम था और स्पेशली मेरे लिए बहुत ही किस्म का हार्ड टाइम था। पता नहीं आप लोग सोचेंगे कि यार इट वाज नॉट अ बिग डील, लेकिन मेरे लिए बहुत बहुत सफ़र किया मैंने इस मंथ में। तो ज़ीलॉग को एंड तक देखें और जान लें हुआ क्या मेरे साथ। लेट्स गेट राइट इनटू इट। सो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तकरीबन कितना अर्सा हो गया, डेढ़ दो महीने बाद हम पॉडकास्ट के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्ट में बताया कि यार वीडियो कहने में आपको सारी स्टोरी सुनाऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या सिनेरियो गुजरा, क्या क्या सर्जरी हुई, सबूत के साथ आप सबको बताना है मैंने। तो उसके लिए आप लोगों ने बस यही करना है कि हाँ बोलो बोलो जरूर, क्यों नहीं, सबूत देने के लिए यार सबूत देना पड़ेगा ना कि लोग यकीन करें। लोग आजकल का जमाना ऐसा है कोई किसी की बात पे यकीन नहीं करता। ये बात है। तो सबूत देना पड़ेगा, उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और छोटा सा ज़ीलॉग होगा, ये ज़ीलॉग बनाने का मकसद ये कि थोड़ा चैनल वो हो जाए क्या, कोई 3-4 हफ्ते से मैंने भी चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं किया। हाँ और अर्तुरुली चल रहा था, तो मैंने कहा एक छोटा सा ज़ीलॉग ही बनता है, अभी पॉडकास्ट बनेगा वो इंशाल्लाह। अभी उसकी प्लानिंग अभी प्लानिंग भी उसकी करनी है क्योंकि पता ही नहीं है कंटेंट में, क्योंकि इतना अर्सा है पॉडकास्ट भी नहीं क्या करे। तो चले पॉडकास्ट के साथ प्लानिंग के साथ मिलते हैं। वेरी लॉन्ग टाइम हम बात पॉडकास्ट बना रहे, जिशान की तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर जिशान ठीक हुआ, इसको स्टेबल हुआ, पट्टियां मटिया की और फाइनली हम मतलब आपको तो ये बताते हुए चले कि थोड़ी सी सर्जरी के बाद इंशाल्लाह अब कोई तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद हम वापस आए। अगर आप लोग को याद हो तो 1-1.5 महीने पहले जब लास्ट पॉडकास्ट हमने बनाया था हमारे साथ वाज नहीं था, तो एक खुशी की बात है कि अभी वाज भी आ गए, वाज भी हमारे साथ और एक किस्म का हमारा जो क्रू है, हमारा जो एक किस्म का टीम वर्क वापस बहाल हुई है। और आज पॉडकास्ट से शुरू करने से पहले मैं स्पेशली अली स्पोर्ट्स जो के असद भाई हैं, आई थिंक सो असद भाई हैं, वो उनकी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब मैं बीमार था उन्होंने ताज़ियत भी की थी और स्पेशल मैसेज किया था। तो उनका बहुत शुक्रिया आज के पॉडकास्ट शुरू करने से पहले। और बस इंशाल्लाह अभी वही वैसे ही होगा, वो आज क्वेश्चंस करेगा, काफी न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज है, काफी क्रिकेट में एक्टिविटी हो गई, सीरीज भी हो रही, सीरीज खत्म भी हो गई है, काफी लेटेस्ट न्यूज भी आई है और काफी इंटरेस्टिंग और स्पेशल न्यूज है जो कि आप लोग को बताना जरूरी है। और ये पॉडकास्ट काफी लंबा भी हो सकता है, इंशाल्लाह काफी लंबा होगा क्योंकि हम भी काफी एनर्जी के साथ वापस आए और बहुत मजा आने वाला है, काफी एक किस्म का काफी हम एक्साइटेड हैं। तो इंशाल्लाह वाज से भी क्वेश्चन शुरू करेंगे और वाज चलो बिस्मिल्लाह। अभी अभी जैसे आप लोग को पता है कि यार ज़ीलॉग तो हम पॉडकास्ट बन गया, अभी शाजिल आने वाला है, शाजिल का इंतजार हो रहा है, शाजिल वाज कॉल मिला शाजिल को, यार जल्दी टाइम नहीं यहाँ पे सेकंड्स का इजाफा हो रहा है, सेकंड्स का शाजिल को मिलाओ। शाजिल के ड्रामे थे पहले, कोई मूवी देखा था, फिर पता नहीं मामू का कोई खानदान में कोई उसके बहुत जबरदस्त जिबान यहाँ पे मेरे स्नैप्स बना रहा है, क्या पता नहीं क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रही। और ये देखें दोबारा कोरोना वायरस बढ़ रहा है, घर पे रहे सब। हेलो किधर है, चलना शाजिल यार जल्दी करो। हाँ हेलो आवाज बोल रहा हूँ, क्या किधर है, आता नहीं है यार मैं निशान सुन रहा है, स्पीकर ऑन है। चले मैं बात करता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। ये सर रिसेंट टाइम में जिबान हमारी स्नैप्स बना रहा था, ठीक है, और हम कह रहे थे कि यार शाजिल, लेकिन शाजिल नहीं आ रहा। और अब हम क्या खेलने ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ताश खेलने जा रहे हैं, ताश कार्ड्स बोलो यार, कार्ड्स खेलने ऊपर, वाज हमें कुछ खिलाने ही वाला है। तो लेट्स गो अपस्टेयर्स। एट दिस मोमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ताश खेल रहे हैं, दो गेम में जिशान हार चुका है और तीसरी कंफर्म हार होने वाला है। गेम का नाम हम आप सबके सामने नहीं रिवील कर सकते, मैं तो अभी हम लोग गेम ही चेंज कर रहे हैं कि ज्यादा बेस्ती नहीं बर्दाश्त होती। तो अब हम खेलने वाले हैं ब्लफ, अगर आपको ब्लफ के बारे में अंदाजा है तो कमेंट सेक्शन में, अगर जिसको नहीं पता तो गूगल कर ले ब्लफ,
बहुत ज्यादा ही झूठ बोलना पड़ता है इसमें। और भाई इसके बाद अब ज्यादा हम आपको तंग नहीं करेंगे, इसके बाद एंड के साथ मिलते हैं ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं जी लॉक का इख्तिताम। जिब्रान और वहाद जा चुके हैं अपने घर को, क्योंकि घर तो सब ने ही जाना होता है। वो ओम शांति ओम का डायलॉग था ना, चाहे जितना भी लेट हो जो माँ आऊँगा तो घर ही ना। तो घर चले गए हैं वो लोग, और मेरे वादे के मुताबिक उम्मीद है जिससे यहाँ तक जी लॉक देखा है उसको बताने वाला हूँ मेरे साथ हुआ क्या। आप लोग को अंदाज़ा तो हो गया होगा कि यार मेरी छोटी सी सर्जरी हुई, सर्जरी क्या हुई इसके पीछे एक स्टोरी है। आज से एक महीना पहले 7 नवंबर को मैं यूनिवर्सिटी से वापस घर आया तो मेरी हालत टाइट थी, जस्ट बिकॉज कि मेरे पीछे जो बैक साइड सर था ना वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। इस तरह होता है ना, लोग कहते हैं आप पट्ठा पलट गया, ये हो गया, तो सर दुख रहा था, साथ बुखार चढ़ गया था। हम समझे कि यार पट्ठा पलटा, महीना गुजरा, दिन गुजरते गए, तकलीफ़ बढ़ती गई, कभी तकलीफ को आराम आया, सहम गई मतलब रुक गई, थम गई, और कभी फिर ज़्यादा हो गई। हम समझते यार पट्ठा पलटा हुआ नॉर्मल टाइम पर गुजर जाएगा, बुखार रात को चढ़ जाता था सुबह। और इस दौरान मैंने एक वीडियो खाली अपलोड की और वीडियोस भी अपलोड नहीं कर सक रहा था। लेकिन अभी भी मैं एक किस्म का पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ, लेकिन वीडियोस इंशाल्लाह बनाऊंगा, क्योंकि यार बहुत बिल्कुल मज़ा नहीं आया, इतने अरसे में एक वीडियो भी नहीं बनी। तो अब इंशाल्लाह कंटेंट आने वाला है इन फ्यूचर, बहुत मज़े का। अब हुआ कुछ यूँ कि अब आखिर में इस तरह हुआ कि यार आज से एक हफ्ते पहले मैं डॉक्टर पे गया। डॉक्टर ने मुझे सजेशन दी कि यार तुम जाओ, तुम्हारी ये जो मेरी जो ये पीछे बैक साइड है ना राइट साइड, तो ये बहुत ज़्यादा सूज गई थी। मतलब राइट साइड मेरी ठीक थी, लेफ्ट साइड मेरी ठीक थी, राइट साइड जो थी ना मेरी सूज गई थी और सख्त हो गई थी, पत्थर की तरह सख्त हो गई थी। हमने कहा यार ये क्या नया कोई अजीब सा कोई पता नहीं क्या शैतान घुस गया इसके अंदर, क्या हुआ है अजीब। तो हमने क्या किया, ENT के पास गए। ENT वाले ने क्या किया, सीटी स्कैन कराया। जब सीटी स्कैन कराया तो पता चला कि घर के टोटके हुए सारे नाकाम, कोई पट्ठा वट्टा नहीं पलटा हुआ था। दरअसल इसके अंदर कोई गंद अजीब सा होता है ना, वो लोग कहते हैं कि यार अब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, मेरा खुद दिल ख़राब होगा, तो गंद हो गया जमा। डॉक्टर ने कहा यार सर्जरी करके सारा गंद निकालना पड़ेगा। अब मेरी तो फर्स्ट टाइम थी सर्जरी, मैंने कहा यार ये क्या होगा। सब घर वाले इकट्ठे हो गए यार, खाला की तरफ से मैं अपनी, सब आ गए यार ये और वो, सब हौसले दे रहे हैं यार नहीं बस छोटा सा कट रहेगा। अब ऑपरेशन थिएटर में बंदा अकेला जाता है, मैं गया, मुझे समझ भी नहीं पड़ी, एनेस्थीजिया दिया और मेरा ऑपरेशन हो गया और सारा गंद उन्होंने निकाल दिया। सारा गंद निकाल दिया तो मेरे कज़न ने एक वीडियो बनाई है, वो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोग से शेयर करूँगा, तो वो वीडियो के एंड में आप लोगों को मिल जाएगी। सबूत है ना वो, कि यार सबूत है कि यार हुआ है कुछ, मजाक नहीं कर रहा। मैंने आप लोगों को जिस तरह कहा है दिस मफलर इज़ नॉट फॉर मतलब फैशन, मैंने नहीं किया हुआ ये, मैंने अपना वो छिपाने के लिए रखा हुआ है। तो ये सब मेरे साथ ट्रेजेडी हुई, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ। आज जिब्रान लोग के साथ पॉडकास्ट बनाया, आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अरसे बाद गेट टुगेदर हुआ और मज़ा आ गया। तो अभी यह है कि इसके बाद आप लोग को सबूत मिलेगा और फिर उसके बाद हम जी लॉग को एंड करेंगे। ऋषानी कैसे है, सही है? बस दो मिनट के बाद सर जी बहुत है भाई, आवाज एक बजे कुछ भी नहीं है यार, कट हो जाएगा अभी, थोड़ा दर्द होगा ठीक है ना, हाँ और इंजेक्शन एक लगेगा बिल्कुल सेट हो जाओगे। हम मसला जो था ना ख़त्म हो गया, शुक्र है। देख ही लिया होगा आप लोगों ने, अभी जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर दे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बेस्ट विशेस दें कि ताकि मैं जल्द से जल्द रिकवर हो चुकूँ। और अभी भी इंशाल्लाह कंटेंट आएगा, लेकिन ज़्यादा कंटेंट और अच्छे, और क्योंकि मैंने सोचा मैंने 600 करोड़ दफ़ा आप लोगों को कह चुका हूँ कि यार एक आइडिया है दिमाग में जो कि करना है, उस पर काम करना है, लेकिन नहीं हो सक रहा। एक महीना से ज़्यादा से दिमाग में आइडिया है लेकिन नहीं बना सक रहा, जस्ट बिकॉज की पता नहीं क्या बीमारी हुई थी, क्या हो जाती है। तो जाने से पहले लाइक कर दें और बेस्ट विशेस, सब्सक्राइब कर दें चैनल, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज। 1 2 3 1 2 3 हेलो 1 2 3 1 2 3 हां जी 1 2 3 4 5 6 मैं काम कर रहा हूं, मैचेस्टिंग रिस्पेक्टिंग हम बैठेंगे। एंड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी आर बैक फर्स्ट टाइम भी खुद ही बैठे चलता हमारे फिर।